स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। दिल आयुष्मान बाबा, बैठिए स्वामी जी, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए ना स्वामी जी। भगवान, मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दो, इतना ही काफी। सब कुछ ठीक होगा, सारी दुष्शक्तियां निकल जा चुकी हैं, घर पूरा स्वस्थ हो गया है, सब भगवान की कृपा है, चिंता मत कीजिए, अगले 11 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, 12 घंटे तक ये सारी सामग्री ऐसे ही रहने देना। क्या हो गया गुरु? लगता है घर में कुछ प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं गुरु? कंटिन्यू दो बार फोन किया हूँ, उठा नहीं रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जो लोटे में है उस पानी को सारे घर में छिड़केगा, समझ गई ना? ठीक है तो फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। जिस घर में मैं पूजा करता हूँ उस घर में हाथ गीला नहीं करता, शास्त्र के विरुद्ध है। आपको खाली हाथ भेजने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है स्वामी जी। आपके हाथों में एक फल को निकाल के इस वस्त्र में डालिए। उस फल को दीजिए। हाँ ये लीजिए। आगे से अच्छा ही होगा, पूरी शक्तियां निकल चुकी हैं। शांति शांति शांति। अरे चलो लड़क के चलो शुरू करते हैं। बाबू चल जल्दी करो, निकलते हैं यहां से। पकड़ो ये, पकड़ो पकड़ो, सब उठा के निकलना है। दरवाजा खोलो, लॉक क्या लगता है? रुको, तुम उस तरफ से जाओ। अभी क्या है गुरु? उधर देखो, क्या हुआ क्या हुआ? बच्चे को ठीक करने के लिए स्वामी जी के रूप में परिहार, प्रीमा, पूजा। शिट, मैं बोलता हूँ तो गुस्सा हो जाती हो, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? बताओ क्या काम कर रही हो? बिना त्योहार के ढोल नहीं बजता है। जिस कार का ब्रेक डाउन हुआ था उसे बनवाना छोड़कर आपने उसके भरोसे उसे छोड़ दिया था। जबरदस्ती से सामने आकर जो बात किया उसको काम पर लगा दिया हो ना, और वो तेरा ही पुंगी बजा कर चला गया। अंडे बोले गुरु, घर के बाहर जाकर देखो। अभी जाकर देखता। हाँ जी, और जो आए थे वो कौन थे? सब कुछ जानकारी जान कर आए थे वो? नहीं 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 गुरु, क्या हुआ वहाँ? उनका बोरी कपड़ा कुछ भी नहीं है, बस ये लेटर पड़ा है। लेटर दिखाओ इधर। मेरे लिए मेरी नई जिंदगी को जितने दिया है उस सुविधा के लिए दीदी को मेरा शुक्रिया। इस सब की वजह बनने वाली मल्ली को भी मेरा प्रणाम। आपके भरोसे के नाकाबिल आपका प्यारा। ऐसा क्या उसने सिखा दिया? साथ में रहकर गद्दारी की। बहुत अच्छे से विस्तार से इस घर के बारे में प्लान कर रखा है। पागल लड़की सब बोलती है, पूरा का पूरा लूट कर चले गए।
सिर्फ इसके कारण हुआ है, सिर्फ इसके कारण। जो आया था वो कौन है इसका पता चले भी नहीं, उसको आप सराहने लग गए, इसीलिए वो आपको नोच कर चला गया, बाबा के रूप में धोखा। जो आए हैं वो कौन थे ये पता नहीं, लेकिन जो आया था उसके सामने सारे राज उगल कर रख दिए। ये लगता है कोई पुलिस वाला है। वही है, उसने अगल बगल देखा कि दीदी इस वक्त अकेली है, तो सेंटिमेंटली बात करके दीदी को अपने जाल में फंसा लिया। गुरु अपने मुत्तू को फोन लगाओ। हाँ बोलो भाई। वो आदमी देखने में बहुत ही तंदुरुस्त दिखेगा। अच्छा, वो दाढ़ी के गेटअप में भी हो सकता है अगर तुम्हें ऐसा कोई भी संदेह हो। ठीक है भाई, समझ गया। साथ में एक कॉमेडियन भी रहेगा जीप के साथ। ओके भाई। सिंपैथी क्रिएट करने जैसा, जिस पर हम शक नहीं कर सकते हैं, उसके साथ एक आदमी भी है। ठीक है भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसा बोला है वैसा कर देंगे, मैं संभाल लूंगा भाई। आप सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हे, तू गाड़ी लेके जा, उसको उठा, मैं यहीं पे हूँ, उसको यहीं पे लेके आ जा। ये है? क्या इसे ही लोग जाल बिछा के ढूंढ रहे हैं? मालिक, और दो लोड आना बाकी है, इस लोड को हम बेच देंगे तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएगा। हाँ हेलो। हेलो, मैं कांस्टेबल तिल्ले बात कर रही हूँ। मालिक से बात कर सकते? मालिक से एक मिनट। मालिक, कांस्टेबल तिलाई बात देना मुझे। अली जी बोलो बेटी। सर, जो स्टेशन में डुप्लीकेट पुलिस आया था ना, जहाँ मैं खड़ी हूँ उससे 20 फुट दूरी पे। ऐसा है क्या? जीप लेकर जा रहे हैं वो। उस पे तुम नजर रखो, मैं तुरंत अपने आदमियों को भेजता हूँ। ठीक है सर। ओके। अरे इतनी देर से तुम कॉल पे बात कर रही हो, अगर पीछे से कॉल वेटिंग आ रहा है तो जवाब नहीं दोगी क्या? अरे सिचुएशन का पता चले बिना ही बोल। खबरदार, मैं सामने आ गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारे स्टेशन में एक डुप्लीकेट ऑफिसर आया था, ऐसा मैं बोली थी ना, उसे मैंने मेन रोड पे देखा था। तो क्या बड़ी बात है? सुन तो लो, बोलने से पहले जल्दबाजी मत। तुम्हें पता है क्या, हमारी बच्ची का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, हमारी बच्ची अब खतरे से बाहर है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। अरे सुनो, मालिक को फोन करके बताया, वो यहाँ खड़ा है। लेकिन याद रखो, तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो। क्यों बेवजह मुझे डांट रही हो, बोलना क्या चाह रही हो मुझसे? सुनो, जिसको तुम फंसाना चाहती हो ना, उसी की वजह से हमारी बच्ची को बचाने के लिए 5 लाख रुपए मिले हैं। क्या? बहुत गलत काम किया है। गलत? क्या गलत? मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम वहाँ से निकल जाओ और मालिक को फोन करके अपने हिसाब से कुछ भी बोल के तुम संभाल लेना। हाँ बोलो बेटी। सर। बोलो बेटी। मैं पास जाकर देखी कि वो नहीं था। पर दूर से देखने में उसके जैसा लग रहा था, उसके जैसा दिखने की वजह से मैंने गलत बोल दिया। सॉरी सर। पेरुमल, उसकी बात में तो कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले वो बोली कि वही है, अब वो बोल रही है कि वो नहीं है। समथिंग रॉन्ग। वो औरत है। वो भी पुलिस है। तुम एक काम करो, अपने आदमियों को फोन करके इधर आने के लिए बोलो। ठीक है, इस पर भरोसा मत करना, हम देख लेंगे। ओके। ए, ये तुम क्या बोल रहे हो? इस केस फाइल को बदलकर एक और बड़ा केस बनाओ। सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हो तुम लोग? क्या करता है हमारी ऑपरेशन टीम? टेल मी, आई वांट द डिटेल, टेल मी। सर, ऊपर से थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर है। फोन रिंग बजने से ही कौन क्या कुछ बोलने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हाइपर टेंशन है सर। सर,
ये केस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। हम इन्फॉर्मेशन गैदर करके धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं सर। इसके टोटल नेटवर्क हेड को पकड़ने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सर। हम जी जान लगा देंगे सर, एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर, ट्रस्ट मी सर। कितने दिन तुम्हें चाहिए? कम ऑन, हाउ मेनी डेज यू वांट जेंटलमैन, हाउ मेनी डेज, टेल मी। सर धीरज रखने से कोई फायदा नहीं है सर, ऐसे तो हम उसे बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। मिनिस्टर से और कमिश्नर से डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है। मिस्टर सेल्वम, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल सर। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। इस केस में हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ये लिखित रूप में मांग रहे हैं वो। सर ऐसे कितने केसेस, कितने बड़े बड़े केसेस हम लोगों ने साथ मिलकर सॉल्व किए हैं सर। उस गैंग को पकड़ने में हम बहुत करीब हैं सर, आप मदद कीजिए सर, प्लीज। अभी पूछो। लुक मिस्टर सेल्वम, बात करने से कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, अगली बार मौका मिलते ही हम उसे थर दबोचेंगे। कहाँ है हमारा कैप्टन? कैसा चल रहा है तुम्हारा स्पेसिफिक टैलेंट और तुम्हारा असाइनमेंट? एक नया असाइनमेंट है, इसे देखो, ये है। देखते ही तुरंत चिपक जाने वाला एक मैग्नेट। नहीं हो रहा है क्या? आई मीन उसको पकड़ने के लिए? ये कोई साधारण इंसान नहीं, इस फोटो में दिखने वाला इस मासूम चेहरे पर बिल्कुल मत जाना। इसके देखने के तरीके से, इसके हंसने के तरीके से कोई भी धोखा खा सकता है। अभी भी वो एग्जैक्टली इधर ही है, बट हम में से कोई भी उसे नहीं जानता यार, इसलिए घूम रहा है। क्या बात है, इतना जल्दी क्यों बुलाया? एनी प्रॉब्लम? जानू से मिली थी, वो मेरी फ्रेंड है, आपको बहुत तेजी से ट्रेस आउट कर रही है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी बस। जानू? हु इज जानू? जानू को नहीं जानते हो? आपसे बात किया था ऐसा बोला था। मुझे? हाँ, चाय की दुकान में स्कूल के बच्चे को जब छोड़ने आई थी। I know. She is innocent character. मानना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मिलने से उसके करेक्टर को एक्चुअली आपने कैलकुलेट कर लिया। देखते ही दिल में पहचान करके रख लेना, जैसा कोई भी कैरेक्टर हो उसे इतना ही जल्दी भूल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुमने क्या कहा था? मैं आपको जानती हूँ, बताया नहीं। गुड। अरे जहाँ पंचर करने की जगह है वहाँ लहंगा पहनकर छाती दिखाकर सोए हो, उठो इधर से। अरे तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि मेरी मदद करने के लिए किसी को बुलाना चाहते हो। अरे मैं तेरी बिरादरी का मामा हूँ, क्यों मुझे इतना नीचे करके बात करता है? अरे दामाद जी, परेशानी ढूंढ कर हमें ही आ रही है, उठो यहाँ से। अरे बाप रे। अरे उधर देखो कौन बैठा है। ठीक है ठीक है, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। भैया जरा गाड़ी का पंक्चर देखना। ये हो जाए उसके बाद करता हूँ। अरे खतरा तुम्हें ढूंढ कर इधर आ गया है अपने आप। तो इधर आ रही है वो, सिर्फ खतरा नहीं, बहुत। अरे दामाजी वो खुद तुम्हें लाइन दे रही है, तुम उसे फॉलो करो। हेलो, जरा जल्दी पंक्चर बनाओ। 5 मिनट वेट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका ही बना रहा हूँ। बाबू लगता है कि आसानी से पड़ जाएगी। हाँ होशियार हो जाओ। क्या बात है मैडम, आपकी गाड़ी भी पंक्चर हो गई? क्यों मेरी गाड़ी पंचर नहीं हो सकती क्या? मैडम मेरी जीप भी पंचर है, इसलिए पूछा था। एक लवर की तरह बातें ना करके ये क्या पंचर खेल रहे हो तुम दोनों? मामा गाड़ी आपस में पहचान लेती है लेकिन ये नहीं पहचान पा रही है। दामाद जी घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकलता है, अब ज्यादा मत सोच, दिखा दे अपना जलवा। अब देखो मामू तमाशे को, वैसे लग रहा है सपने कलर कलर में आ रहे हैं। अरे
ये क्या है? ये कैसे बहके बहके बातें कर रहा है? ए, क्या बकवास कर रहा है? ए, इसे छोड़ो मत, ये खुद रास्ता क्लियर करके देता है। हे, इंस्पेक्टर आ रहे हैं। अरे ये क्या, ये फिर से आ गया यहाँ पे? नमस्ते सर। तू यहाँ पे भी आ गया? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डीजल भर रहा हूँ। क्या कर रहा है? डीजल भर रहा हूँ। अच्छा, इधर आ, इधर आ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब पंचर। इत्तेफाक देखो, दोनों की गाड़ी एक साथ ही पंचर हो गई। जैसे कि मैंने ही इनकी गाड़ी को पंचर करके यहाँ लाके छोड़ा हुआ है। ए, इधर आ। तैर रहा हूँ। चल तैर के दिखा। अरे यहाँ जमीन में कैसे? जितना बोला उतना कर। तेरे को तैरने के लिए बोला ना मैंने, गड्ढा खोद रहा है तू। नीचे मजाक चल रहा है क्या? अरे खोल कर मारने के लिए बोल रहा है, इसे भी मारने के लिए बोलो ना। करना, गिनती भी कर। 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं। ए, तू करता है? ए, तू इधर आ, तेरे से बात करनी है। पंचर हो जाने की जगह पे तैरने के लिए बोल रहा है। सर, ये तैरना बंद करके चुप खड़े हैं सर। मुझे फंसा रही है, मैं तो जोर जोर से तैरूंगा। लो, देख लो, अच्छे से देखो, और देखो, मजे से देखो। अरे इसके साथ ऐसा क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता।